हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई हिस्ट्री ज्वाइन में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए ईसीडी के थर्ड चैप्टर वोल्टेज तथा धारा स्रोत, वोल्टेज एंड करंट सोर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, या यदि आपने उनको ना देखा हो तो उसे भी आप देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर थर्ड में पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वे उपकरण जो विद्युत शक्ति सप्लाई करने के लिए प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है प्रत्यावर्तक, ऑप्शन बी दिया गया है विद्युत शक्ति स्रोत, ऑप्शन सी दिया गया है आदर्श वोल्टेज स्रोत, ऑप्शन डी दिया गया है स्थिर धारा स्रोत। तो बता दें दोस्तों, जो विद्युत शक्ति सप्लाई करने के लिए प्रयुक्त होते हैं वो विद्युत शक्ति स्रोत कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, विद्युत शक्ति स्रोत। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया बैटरी द्वारा, ऑप्शन बी दिया गया सप्लाई द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया आदर्श वोल्टेज द्वारा, और ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो बता दें दोस्तों, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है वो बैटरी द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, बैटरी द्वारा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह स्रोत जो परपथ को वोल्टता प्रदान करता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए दिया गया धारा सोर्स, ऑप्शन बी दिया गया विद्युत शक्ति, ऑप्शन सी दिया गया वोल्टता स्रोत, ऑप्शन डी दिया गया ग्राउंडेड टर्मिनल। तो बता दें दोस्तों, जो परपथ को वोल्टता प्रदान करता है वह वोल्टता स्रोत कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, वोल्टता स्रोत। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वोल्टेज अथवा वोल्टता स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए दिया गया 3, ऑप्शन बी दिया गया 4, ऑप्शन सी दिया गया 5, और ऑप्शन डी दिया गया 6। तो बता दें दोस्तों, वोल्टेज अथवा वोल्टता स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसी के क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। पढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है परपथ को धारा प्रदान करने वाला स्रोत होता है। ऑप्शन ए दिया गया वोल्टता स्रोत, ऑप्शन बी दिया गया धारा स्रोत, ऑप्शन सी दिया गया ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो बता दें दोस्तों, जो परपथ में धारा प्रदान करने वाला स्रोत होता है वो वोल्टता स्रोत से भी धारा प्रदान की जाती है और धारा स्रोत से भी धारा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ए व बी दोनों, ए व बी दोनों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसी पावर सप्लाई जिनमें सकारात्मक टर्मिनल ग्राउंडेड होता है कि रेटिंग हो सकती है। ऑप्शन ए दिया गया 5 अथवा 8 वोल्ट, ऑप्शन बी दिया गया 0 वोल्ट से 300 वोल्ट, ऑप्शन सी दिया गया 6 अथवा 9 वोल्ट, और ऑप्शन डी दिया गया है 0 से 200 वोल्ट। तो बता दें दोस्तों, ऐसी पावर सप्लाई जिसमें सकारात्मक टर्मिनल ग्राउंडेड होता है इसकी रेटिंग हो सकती है 6 अथवा 9 वोल्ट। नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा 0 से 300 वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा 0 से 300 वोल्ट। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि धारा स्रोत के प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए दिया गया आदर्श, ऑप्शन बी दिया गया आश्रित, ऑप्शन सी दिया गया ए व बी दोनों, ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो बता दें दोस्तों, धारा स्रोत के प्रकार होते हैं वो आदर्श और आश्रित दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ए व बी दोनों, ए व बी दोनों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान में प्रचलित उपकरणों में किस पावर सप्लाई पद्धति का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया ग्राउंडेड, ऑप्शन बी दिया गया फ्लोटिंग, ऑप्शन सी दिया गया प्रत्यावर्तक, और ऑप्शन डी दिया गया ये सभी। तो बता दें दोस्तों, जो वर्तमान में प्रचलित उपकरणों में पावर सप्लाई पद्धति का प्रयोग किया जाता था वो ग्राउंडेड थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक उपयोगी व्यवहारिक स्रोत की गुणवत्ता किन मानों पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए दिया गया आंतरिक प्रतिबाधा के सापेक्ष मान पर, ऑप्शन बी दिया गया है बाहर प्रतिबाधा के सापेक्ष मान पर, ऑप्शन सी दिया गया ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो बता दें दोस्तों, जो उपयोगी व्यवहारिक स्रोत की गुणवत्ता है वो आंतरिक प्रतिबाधा के सापेक्ष मान पर और भार प्रतिबाधा के सापेक्ष मान पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ए व बी दोनों। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस वोल्टता स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध शून्य नहीं होता।
ऑप्शन ए दिया गया आदर्श वोल्टता स्रोत, ऑप्शन बी दिया गया व्यवहारिक वोल्टता स्रोत, ऑप्शन सी दिया गया आश्रित वोल्टता स्रोत और ऑप्शन डी दिया गया स्थिर धारा स्रोत। तो बता दें दोस्तों, जो वोल्टता स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध शून्य नहीं हो सकता है वो व्यवहारिक वोल्टता स्रोत का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, व्यवहारिक वोल्टता स्रोत। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से आश्रित वोल्टता स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया रेक्टिफायर, ऑप्शन बी दिया गया डायोड और ऑप्शन सी दिया गया इलेक्ट्रॉनिक बल्ब और ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो बता दें दोस्तों, जो निम्न में से आश्रित वोल्टता स्रोत नहीं है, रेक्टिफायर जो है वो वोल्टता स्रोत है और डायोड भी आपका एक आश्रित वोल्टता स्रोत है और इलेक्ट्रॉनिक बल्ब ये भी एक आपका आश्रित वोल्टता स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो परिपथ में सदैव स्थिर धारा प्रवाहित करता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए दिया गया है आश्रित धारा स्रोत, ऑप्शन बी दिया गया आदर्श धारा स्रोत, ऑप्शन सी दिया गया आदर्श वोल्टेज स्रोत, ऑप्शन डी दिया गया व्यवहारिक वोल्टेज स्रोत। तो बता दें दोस्तों, परिपथ में सदैव स्थिर धारा प्रवाहित करता है वह आदर्श धारा स्रोत कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना।